हेलो गाइज, आज दिनांक 30 अगस्त 2022 हैं और आज की डेट में प्री डीएलएड यानी कि बीएचटीसी 2022 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है कि राजस्थान बीएचटीसी ऑनलाइन फॉर्म की जो अंतिम तिथि है वो बढ़ा दी गई है। बात करेंगे आज की डेट में को टोटल कितने फॉर्म यहां पर भरे गए हैं और अप्लाई प्रोसेस, आवेदन शुल्क, योग्यता, आयु सीमा, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम डेट के बारे में संपूर्ण डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल राज सरकारी जॉब 24। ऐसी प्रकार की ऑफिशियल एजुकेशन अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइज, यहां पर आप चेक कर सकते हैं प्री डीएलएड वंचित अभ्यर्थियों को मिला मौका, 7 दिन बढ़ाए अंतिम तारीख। ठीक है, तो यहाँ पूछते हैं बीकानेर की तरफ से, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा विद्यालय में अध्यापक बनने के लिए जरूरी है 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है, जिसमें आपको यहाँ पर जो अंतिम तिथि है वो 7 सितंबर कर दी गई। 7 सितंबर तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले आपको यहाँ पर देखते हैं और इसमें आपको यहाँ पर आवेदन शुल्क है, आवेदन शुल्क 6 सितंबर तक जमा करवा सकते हैं और इसके यहाँ पर पूर्व में ऑनलाइन जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि थी 31 अगस्त थी, जो कि फ्रेंड्स ये ऑफिशियल अपडेट नीरू भारद्वाज जी ने यहाँ पर दिया है, जो कि पीटीटी समन्वयक अधिकारी हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पर दे सकते हैं जो इसके यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया 19 अगस्त से शुरू की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर प्रदेश में टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं अब तक 31 अगस्त 2022 की डेट में, 4.70 लाख यहाँ पर फॉर्म भर चुके हैं और यहाँ पर 7 दिनों में यहाँ पर दे सकते हैं 5 लाख प्लस यहाँ पर आवेदन आने की पूरी संभावना आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर देखते हैं ऑनलाइन आवेदन में यहाँ पर जो भी स्टूडेंट ओपन यानी स्टेट ओपन बोर्ड राजस्थान से अप्लाई किए हैं वो भी इसके लिए इलिजिबल हो जाएंगे जिन्होंने पास कर ली है। और इसकी योग्यता के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर देखते हैं सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 12वीं 50% होनी चाहिए, आरक्षित वर्ग यानी कि ST SC या फिर OBC, ठीक है, EWS फीमेल कैंडिडेट के यहाँ पर 45% है। सामान्य वर्ग में आयु सीमा 28 वर्ष रखी गई है, बाकी कैंडिडेट को यहाँ पर जो अपनी कैटेगरी वाइज छूट भी देखने को मिल रही है और आयु की गणना 1 जुलाई 2022 तक की गई है। एक बात करते हैं यहाँ पर जो आपकी एग्जाम डेट है, एग्जाम कब से होने वाली है, एग्जाम की यहाँ पर अनुमानित डेट यहाँ पर बताई जा रही है कि यहाँ पर 25 सितंबर के लगभग आपको यहाँ पर जो डेट है कंडक्ट करवाई जाएगी एक्सपेक्टेड डेट है, तो 25 सितंबर को आपका यहाँ पर एग्जाम हो सकता है। जैसे ऑफिशियल अपडेट आएगी तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, एक बार हम प्री डीएलएड 2022 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करते हैं तो यहाँ बचते हैं ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2022 की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं इंपोर्टेंट डेट्स में कोई भी यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो अपडेट आए हैं आज ही यहाँ पर अपडेट आए हैं ऑफिशियल जो अखबार पर जारी की गई हैं, आपको यहाँ पर आज के यहाँ पर 10 से लेकर 12 बजे के बीच में यहाँ पर इसको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके यहाँ पर अंतिम तारीख है 7 सितंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है। ऐसे स्टूडेंट के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देखकर बड़ी आसानी से बिना मिस्टेक किए कोई भी फॉर्म में बिना गलती के अपने ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा या फिर आपको बीएचटीसी 2022 की प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट जरूर करें। और इसकी यहाँ पर सिलेबस योग्यता के बारे में संपूर्ण अपडेट्स मैंने आपको बताई है, उसका वीडियो का लिंक भी आपको यहाँ पर आई बटन पर दे दूंगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, संपूर्ण डिटेल्स वहां से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको हर एक प्रकार के ऑफिशियल अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।